दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों द्वारा आयोजित रैली में भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजत तिवारी व भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने ईडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया है। राज्य मंत्री श्रीमती तिवारी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली मात्रा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी दल के अपनी राजनीतिक परिवारों को बचाने का प्रयास है। इन्हें देश और जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की रैली फ्लॉप रही, जिसका प्रमाण खाली कुर्सी दे रही थी। श्रीमती तिवारी ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने 140 करोड़ पारिवारिक जनों की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर उनके स्वर्णिम भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन घमंडियों तथा अपने बपौती समझने वालों का गठबंधन है, जिसे जनता ने नकार दिया है और एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया है। जिला अध्यक्ष श्री बब्बन ने कहा कि देश को लूटने वाले कांग्रेस के परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शिबू सोरेन के परिवार रैली में शामिल थे। जिन दलों के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल हो, या फिर झारखंड के हेमंत सोरेन हो, या बिहार से लालू यादव, ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रदेश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से महामंत्री सत्येंद्र राजपूत, मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक, सह मीडिया प्रभारी परेश गुप्ता, सत्यम शुक्ला, आईडी प्रमुख सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आपको पता है कि एक दिन पहले दिल्ली में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारे का एक डेली शो देखा गया। उसमें किस तरह से वो अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, हम सबने उस चीज को देखा। एक तरफ मोदी जी 140 करोड़ जनता के बारे में उनके भले के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो उनका परिवार है। मोदी जी कहते हैं कि हम उनके साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है, इनकी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करता है। आज आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं कि ये क्या चाहते हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार करें और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब एक साथ खड़े होते हैं, और बड़े गर्व के साथ मंच पे खड़े होकर के उसको कहते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जनता के साथ में, देशवासियों के साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम उनके साथ में किसी तरह का छलावा नहीं होने देंगे। जिसने देश को लूटा है, जिसने देशवासियों का पैसा लिया है, उसको पैसा वापस करना होगा, ये मोदी जी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग इसीलिए मोदी जी की खिलाफत करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों पे कुछ करें, कोई एक्शन लिया जाए। तो क्या ये संभव है आप लोगों को लूटते रहो, उस पर कोई एक्शन ना हो? तो मोदी जी एक्शन की बात करते हैं और वो लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा भी ना हो। घोटाला अपना हर रोज ये बड़े चाव से करते हैं, और आपको ये पता है कि ये गठबंधन जनबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। आपने देखा होगा एक प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के लोग खड़े हुए थे, ये कहाँ का गठबंधन? इसने घमंडिया के काम क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इनके काम है, आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है,
कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो एक दूसरे के सहयोग की बात करती है, एक दूसरे के साथ की बात करती है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन? आप सबको पता है पश्चिम बंगाल में ममता के ने साथ में लड़ने से इनकार किया, बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए, कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक सब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम क्या है, मैं भी आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी जनता को कि इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो, कार्रवाई को तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इसी टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं लेकिन उस पर एक क्षण के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं लेकिन सवाल सजा पर सवाल उठाते हैं और ये चाहते हैं कि हम सब भी ऐसा करें। क्या संभव है? ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं, कोई नहीं बोलता। ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन दिया। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ही रैली कर रहा है? ये भी एक सवाल है। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मेडल दिखा रहे हैं मंच पे खड़े।